दोस्तों, अगर आप भी दीपक हुड्डा को एक बेहतरीन ऑलराउंडर मानते हैं, तुम्हारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को लगभग जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। वहीं एक बार फिर से इस मुकाबले में भी रोहित शर्मा ने हर मोर्चे पर बेहतरीन कप्तानी करते हुए वेस्टइंडीज के सामने छोटे से लक्ष्य को पहाड़ जैसा साबित कर दिया। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं पहली इनिंग की पूरी हाइलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है बेहतरीन कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच में दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज पर चढ़ाई करते हुए मुकाबले को अपनी तरफ झुका लिया और टीम इंडिया की जीत में महज कुछ ही कदम दूर है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में कैरेबियाई टीम के नए कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनके गेंदबाजों ने टीम इंडिया को 238 रनों पर रोक दिया और इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी अपनी टीम की शानदार वापसी कराते हुए टीम इंडिया को लगभग जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा के साथ आज के मुकाबले में ऋषभ पंत ओपनिंग करने आए थे और सभी प्रशंसकों को उम्मीद थी कि ये दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया को एक धमाकेदार शुरुआत देंगे, लेकिन अपने दूसरे ही ओवर में वेस्टइंडीज के बेहतरीन तेज गेंदबाज किमार रोच ने रोहित शर्मा को पवेलियन की राह दिखाकर टीम इंडिया को एक जबरदस्त झटका दिया। इसके बाद जल्दी जल्दी तीन विकेट गंवाकर भारतीय टीम मुश्किलों में फंसती हुई नजर आई, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव और भारत के उप कप्तान केएल राहुल ने बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को 150 रनों तक पहुंचा दिया, जिसमें भारत के उप कप्तान केएल राहुल ने 48 गेंदों में 49 रन बनाए, तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम के मध्यम क्रम की समस्या को खत्म करते हुए बेहतरीन 64 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 चौके भी लगाए और उनको दीपक हुड्डा का भी बेहतरीन साथ मिला, जिन्होंने 25 गेंदों में शानदार 29 रन बनाए। हालांकि शार्दुल ठाकुर के जल्द आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम वेस्टइंडीज के सामने एक बड़ा लक्ष्य देने में असफल रही और पूरी भारतीय टीम 50 ओवरों में केवल 338 रन ही बना सकी। दोस्तों, जब वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तब भारतीय प्रशंसकों को यह उम्मीद थी कि टीम इंडिया के गेंदबाज जल्दी जल्दी विकेट निकालकर भारतीय टीम को इस बेहतरीन मुकाबले में बेहतरीन शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन कैरेबियाई ओपनर बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के मंसूबों पर पानी फेरते हुए अपनी टीम को एक धमाकेदार शुरुआत दिलवाई और आपको बता दें कि दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए टीम इंडिया के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में एक भी रन न देते हुए मैडन ओवर फेंका। इसके बाद तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में भी एक भी रन नहीं दिया, जिसके बाद कैरेबियाई टीम का स्कोर 3 ओवरों की समाप्ति के बाद केवल 5 रन ही था। हालांकि वेस्टइंडीज की टीम ने एक भी विकेट नहीं खोया और इसके बाद 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पर ब्रैंडन किंग ने सिराज की गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाकर अपने आक्रामक तेवर दिखा दिए और इसके बाद अगले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर की पहली ही गेंद पर कैरेबियाई टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज साई हो बेहतरीन चौका लगाकर अपनी पारी को गति प्रदान की और इसके बाद इसी ओवर में ब्रैंडन किंग ठाकुर की गेंद पर 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर यह दिखा दिया कि वो अब रुकने वाले नहीं है और 5 ओवरों में 15 रन के स्कोर को इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 6 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन तक पहुंचा दिया और उसके बाद अगले ही ओवर में संभल कर बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम का स्कोर 30 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसमें ब्रैंडन किंग ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों में 18 रन बनाए, जिसके बाद उन्होंने 2 चौके के साथ साथ एक बेहतरीन छक्का भी लगाया और दूसरे छोर पर खड़े साई होप उनका बखूबी साथ निभाते हुए 30 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। और हालांकि इसके बाद पारी के 8वें ओवर में अपना पहला ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने तीसरी गेंद पर खतरनाक लय में नजर आ रहे ब्रैंडन किंग को एक शानदार गेंद डालकर विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी और टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद रोहित शर्मा ने दोनों ही छोर पर अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों को लगा दिया और एक तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा तो दूसरी तरफ से मोहम्मद सिराज ने कैरेबियाई बल्लेबाजों के सामने बेहतरीन गेंदबाजी करके मुश्किल में डाल दिया और पारी के 10 ओवर में एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कैरेबियाई टीम के बेहतरीन बल्लेबाज ब्रावो को महज 1 रन पर ही पवेलियन भेजकर टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिलाई और भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कैरेबियाई टीम के बेहतरीन शुरुआत जल्दी जल्दी 2 विकेट लेकर मुश्किल में डाल दिया और एक समय बिना किसी नुकसान के 32 रन बनाने वाले कैरेबियाई टीम 38 रनों पर ही 2 विकेट गंवाकर मुश्किलों में फंस गई और इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम अभी उधर ही पार्टी की यजुवेन चहल ने आते ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे और साई होप को पवेलियन की राह दिखाकर कैरेबियाई टीम को तीसरा झटका दे दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने एक बार फिर से 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को वापस अटैक में लाया और उन्होंने आते ही
अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए कैरेबियाई टीम के कप्तान निकोलस पूरन को स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को चौथी सफलता दिलाई। इसके बाद अभी वेस्टइंडीज की टीम संभल ही पाती कि साझेदारी तोड़ने में मशहूर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने कैरेबियाई टीम को पांचवा झटका देकर आधी वेस्टइंडीज टीम को पवेलियन की राह दिखा दी। उन्होंने जेसन होल्डर के रूप में अपना पहला विकेट लिया। इसके बाद टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने अपना एक और पासा फेंकते हुए दीपक हुड्डा को एक दिवसीय श्रृंखला में पहली बार गेंद थमाई और उन्होंने आते ही अपने पहले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे सेमरा ब्रुक्स को कैच आउट करवाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहली सफलता हासिल की और वेस्टइंडीज की टीम 31 ओवरों की समाप्ति तक महज 120 रन बनाकर अपने 6 विकेट गंवा चुकी है और टीम इंडिया इस मुकाबले को आसानी से जीती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की हर एक चाल सफल हो रही है और ऐसा लग रहा है कि वो आगे जाकर एक महान कप्तान साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तीसरे एक दिवसीय मुकाबले में ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी करने में सफल हो पाएंगे या फिर नहीं, आपकी राय क्या है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।